नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे शेखावत यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम के बारे में। जी हाँ, सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम रिजल्ट यहाँ पर आ चुके। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम फोरम का इंतजार कर रहे थे क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के फोरम ऑलरेडी भरवाए जा चुके हैं, तो लेकिन शेखावत यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आने का इंतजार था। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी दी हुई है फोरम से रिलेटेड, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और एग्जाम कब तक होंगे, सबसे बड़ा सवाल सेकंड सेमेस्टर का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके एग्जाम मई के लास्ट तक शुरू होने की कही गई थी, लेकिन शेखावटी का अभी तक कोई नोटिस नहीं था। आज नोटिस आ चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भैया, स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शेखावटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में जो भी विद्यार्थी रेगुलर नॉन कॉलेज शामिल हुए थे वो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की बात करें बीए बीएससी बीकॉम के लिए द्वितीय सेमेस्टर के नियमित और सहपाठी विद्यार्थी, और बीबीए और बीसीए के द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी, यानी कि ये रेगुलर कोर्सेज है और ये नॉन और रेगुलर दोनों कोर्सेज है। 27 मई से फॉर्म भरा जाएगा 5 जून तक, ये ध्यान रखें। फॉर्म आपको मित्र के माध्यम से भरना है, फॉर्म ध्यान से भरना है, पहले जैसे भरा फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक वैसे ही फॉर्म भरना है, गलती नहीं करनी किसी भी डिटेल से रिलेटेड। और इसके बाद में अगर मान लो कि लेट फीस में भरेंगे तो 6 जून से 10 जून तक भरे जाएंगे और 11 जून से 13 जून तक डबल फीस के साथ में भरा जाएगा। लेकिन इन दिनों का इंतजार नहीं करना, समय से 27 मई से 5 जून तक आपको फॉर्म भरना है। फीस जो पहले रही ठीक वही रहने वाली, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ये फॉरम से रिलेटेड है। और बाकी हार्ड कॉपी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये फॉरम भरने के बाद में संबंधित महाविद्यालय में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जमा करवाई थी ठीक वही जमा करवानी पड़ेगी। और नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं होता, बाद में यूनिवर्सिटी चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए समय से हार्ड कॉपी भी जमा करवानी है। ठीक है, ये हो गया शेखावत यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि भाई एग्जाम कब होंगे। तो सामने लिखा हुआ भैया, स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के समस्त नियमित और सहपाठी विद्यार्थियों की परीक्षा जून 2024 के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि जून के तीसरे सप्ताह में। देखो फॉर्म कब तक भरा जाएगा, 13 जून तक डबल फीस के साथ में भरा जा रहा है। इसके बाद में टाइम टेबल आएगा और मई के तृतीय सप्ताह में, यानी 20 मई के बाद में आपके एग्जाम कभी भी शुरू हो सकते हैं। 20 जून के बाद में है ना, 20 जून के बाद में आपकी एग्जाम कभी भी शुरू हो सकती है। तो ये अपडेट है, इससे रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, मैंने बताया कि आपको 3 दिन के अंदर महाविद्यालय में फोटो जमा करवाना पड़ेगा फॉर्म की कॉपी, ये सारी जानकारी इससे रिलेटेड दी हुई है। डिटेल्स वगैरह भैया ध्यान से भरना, कोई गलती मत करना। और ये फॉर्म फीस रहा भैया, रेगुलर स्टूडेंट की 1350 है, 1300 रुपए है, और नॉन कॉलेज की 2100 ईच सेमेस्टर, ध्यान रखिए 2100 रुपए रहने वाली है। तो इस तरीके से आपके फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। शेखावत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपके सवाल क्या है, एक बार मुझे शेखावत यूनिवर्सिटी पे भी काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनते रहे शेखावत यूनिवर्सिटी के। अभी जितने भी सवाल हैं शेखावत यूनिवर्सिटी के, पैटर्न, सिलेबस, आने वाले के समय में मोस्ट क्वेश्चंस, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में उन चीजों पर काम किया जा सके। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।